नहीं चलेगी। आप भी बोलो नहीं चलेगी। आप भी बोलो नहीं चलेगी। और जोर से रेल भी तेल भी भेल भी सेल भी बैंक भी बीमा भी रोड भी ट्रांसपोर्ट भी बिजली भी सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रहे। मोदी जी हर महीने में मन की बात करते हैं, क्या कर्मचारी सालों में अपने मन की बात अपने कर्मचारियों की बात नहीं कर सकते? वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है। सबसे पहले हमारा क्या इशू है, पुरानी पेंशन को बहाल करो। ग्यारह लाख करोड़ माफ कर दिया, हमारा 18 महीने का डीए खा गए। व्यवहार किया, दमन किया करने का प्रयास किया तो देश के बिजली कर्मचारी नहीं तमाम विभागों के कर्मचारी सड़कों पर उतर करके आपके तरफ का विरोध करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं देश की पार्लियामेंट से कुछ सौ मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर, जहां देश भर के सरकारी कर्मचारी अलग अलग विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी यहां पहुंचे हैं। उनकी खास तौर पर दो मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पहुंचे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना और साथ में जो सरकारी रिक्ति खाली है उनको लागू करना। इसके अलावा उनकी अन्य मांगे हैं जिसको लेकर वो लगे पहुंचे हैं। इन मांगों में पहुंचे कर्मचारियों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे आज का प्रदर्शन किस तरह से है और आगे इनका आंदोलन कैसे चलेगा और इस आंदोलन से आगे इनका क्या रास्ता निकलने वाला है। इसकी जो प्रमुख मांग हमारी है, PFRDA एक्ट रद्द करें, पुरानी पेंशन बहाल करें। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि पुरानी पेंशन पाप है और राज्य सरकारें इस पाप को ना करें। आज हम यहाँ कहने के लिए आए हैं कि ये पाप नहीं है, ये लाखों कर्मचारियों का अधिकार है जिसको संघर्ष के बल पर हम हासिल करके रहेंगे। दूसरा, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाली पाप है तो BJP के सारे MLA और MP इस पाप को क्यों कर रहे हैं? वो पुरानी पेंशन के तहत पेंशन लेना बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, वो दूसरे को उपदेश देने की बात है। पांच राज्यों ने जो बहाली की है पुरानी पेंशन की, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल और पंजाब, वो जो NPS में पैसा था केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया कि हम स्टेट को नहीं लौटाएंगे, यानी कि उनको डिमोरलाइज करना है, उनको वो लागू ना कर पाए। ये तरीका ठीक नहीं है। 10 अप्रैल 2006 को देश के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला है कि जहाँ परमानेंट नेचर का वर्क होगा वहाँ कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेज आउटसोर्स कर्मचारी नहीं लगेगा, काम पक्का नौकरी पक्की। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार में भी राज्य सरकार में भी 50 लाख के करीब आउटसोर्सिंग DC रेट कॉन्ट्रैक्ट आदि आदि नामों से कच्चा कर्मचारी लगा रखा है। हम ये कह रहे हैं इनको रेगुलर करने की पॉलिसी बनाओ और जब तक पॉलिसी ना बने और ये रेगुलर ना हो, जब तक इक्वल वर्क इक्वल पे और सारे सामाजिक सुरक्षा सहित जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए। जब बेरोजगारी की दर पिछले 4 दशक में सबसे ज़्यादा है और 60 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं तो सरकार भर के बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं देना चाहती? आप यूथ की बड़ी बात करते हो, 54% जो हमारे 35 साल के जो नौजवान हैं वो नौकरी की बात कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर, लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बावजूद ही परमिशन नहीं मिलती है और ये कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ PM के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं होगी। ये कौन से डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं? और सरकार से कह रहे हैं कि ये इसका समाधान करो 7 सूत्री मांगों का। अगर आज के धरने के बाद कोई पहलकदमी नहीं होती तो हम सभी राज्यों में कर्मचारी सम्मेलन कर रहे हैं, उसके बाद अगर अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने रीच टू ईच के नारे के साथ हम प्रत्येक कर्मचारी के पास जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे और उसके बाद अगस्त महीने में देश के चारों कोणों से सैकड़ों कर्मचारियों के वाहन जत्थे शुरू होंगे और वो सभी जगह जाते हुए जनता के बीच में जनसभाएं कर्मचारी सभाएं करते हुए 3 नवंबर को दिल्ली में आएंगे और जब तक सरकार अगर नहीं चेती तो 3 नवंबर को बड़ी जान लमबंदी होगी
और उसी में केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। जो हमारी प्रमुख मांग है, पहली तो है हमारी ओपीएस बहाल की जाए, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे कर्मचारी हैं वो 2005 से, चूँकि एनपीएस लागू हुई थी तो उसके बाद से संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है, और एनपीएस ऐसी एक स्कीम है जो कि पेंशन कहना धोखा है, वो पेंशन स्कीम नहीं है, वो एक बाज़ार जो अपना शेयर मार्केट है उस पर आधारित है, जिससे कि सरकारी कर्मचारी का कहीं से भी हित नहीं हो रहा है। और जैसा कि आप लोग भी अब तक पूरे देश में चर्चा का विषय है कि ओपीएस ऐसी चीज़ है जो कि हमें एक हमें हमारा भविष्य निर्धारित करने का हिम्मत देती है, क्योंकि ओपीएस में जो हमें पैसा मिलता है वो हमारी लास्ट का जो हमारा इनकम होती है उसका 50% होता है, और जबकि एनपीएस में वो 10% हम देते हैं, 40% जो हमको लास्ट में शेयर होता है उस पर निर्धारित होती है। अगर किसी कर्मचारी की लास्ट पे 30,000 है तो लास्ट में हम उसको पेंशन शायद ही 1,000 या 1,500 या 600-800 तक निर्धारित हो रही है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आज की इस महंगाई के ज़माने में एक कर्मचारी जो रिटायर हो चुका है वो कैसे अपने परिवार को चलाएगा, अगर वो बीमार हो जाएगा तो उसको कैसे अफोर्ड करेगा, क्योंकि एनपीएस में मेडिकल का भी कोई रिइंबर्समेंट नहीं है। एक तो ये सरकार का दोगलापन है, जो सरकार उसका विरोध कर रही है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, अगर ये नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो वो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? वो तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, एक एक विधायक जो हैं 8-8 पेंशन ले रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी जो 40 साल नौकरी करता है, 35 साल नौकरी करता है, और अपना पूरी जवानी पूरा जीवन अपना जो है ना जनता की सेवा में सरकार के विभागों में लगा देता है, और बुढ़ापे में सरकार उसको छोड़ देती है, तो ये तो अन्याय है ना उसके साथ। तो इसलिए ये मांग करते हैं कि भाई पुरानी पेंशन योजना एक बुढ़ापे में वर्किंग क्लास का, मेहनत कश वर्ग का एक सहारा है, और उसको पालन पोषण की बुढ़ापे में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो वो ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो सब पे लागू हो। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि तानाशाही इसलिए कि लोकतंत्र के अंदर हमें भी अपनी बात, मोदी जी हर महीने में मन की बात करते हैं, क्या कर्मचारी सालों में अपने मन की बात, अपने कर्मचारियों की बात नहीं कर सकते? पुलिस का तमाम पैरा, पुलिस के तमाम अफसर हमसे बात कर रहे हैं, आप क्यों आना चाहते हैं, क्या बात करेंगे, क्या नारे लगाओगे? अरे ये कौन सा बात होगी, हमने आपको चिट्ठी दी है, बराबर आपको सूचना दी है, हमारी कौन सी मांग है वो हमने आपको भेजा हुआ है, लगातार रेजुलेशन भेजने, लगातार चिट्ठियां भेजने, कोई जवाब नहीं। मोदी जी में तही लगा के बैठे हुए, नई पेंशन की क्या बात करते हैं हम लोग, वो नई पेंशन क्यों नहीं लेते हैं? मोदी जी लेना अपनी नई पेंशन, पार्लियामेंट्री को तमाम लोगों के लिए नई पेंशन का व्यवधान करें, हमारे लिए क्यों कर रखा है? अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, और जोर से अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पेंशन हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमेशा देश के अंदर क्या हो रहा है, 11 लाख करोड़ माफ कर दिया, हमारा 18 महीने का डीए खा गए, क्यों भाई? यदि यदि बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं चल रहा था उसको तो राहत दे दिया, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी में छूट, और कर्जा भी माफ, और हमें हमारी जो कोविड के टाइम पे तमाम पूरे हिंदुस्तान में तमाम सरकारी कर्मचारियों ने काम किया, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ बंद था, हिंदुस्तान के कर्मचारी काम कर रहे थे, वो लोग मर रहे थे और उनका वो डीए खा गए, और आज कंपेंसेशन डिपार्टमेंट में नौकरी मांगते हैं, मोदी जी कोई जवाब नहीं देते, क्यों भाई? उन्होंने कहा था कि जो लोग कोविड के दौरान मर जाएंगे उनको हम तुरंत नौकरी पे रखेंगे, आज उनके परिवार के लोग धक्के खा रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं, अफसर बोलता है मैं क्या करूं सर, कोई व्यवस्था नहीं आई है, कोई सरकार का आदेश नहीं है, जो कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट में लिमिट लगा रखा, हम कहते हैं वो लिमिट हटा दो, वो लिमिट भी नहीं हटा रहे, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आज हमारा नारा है, यदि पुरानी पेंशन नहीं तो ये सरकार भी नहीं।
हमने यहाँ आए सभी अलग अलग विभाग कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करी। यहाँ हर एक कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है, उसके साथ साथ उनकी अपनी रीजनल मांगें जिनको लेके आए हैं, सात सूत्री मांगों के साथ यहाँ पहुँचे। ये प्रदर्शन सिर्फ यही नहीं जंतर मंतर पर नहीं बल्कि देश में राज्यों में हर जिला स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं और DC के माध्यम से अपना मांग पत्र सरकारों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी केंद्र वित्त सेक्रेटरी को ये लोग अपना मांग पत्र सौंपेंगे और आंदोलन के कर्मचारियों ने चेतावनी दिया अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो भविष्य में और तीखा आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।